हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, मैं आपकी यशो दोस्त अर्चना अपने चैनल ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं अपने दोनों दिव्य प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, यानी कीवर्ड लेकर। इसके साथ ही मैं आपको राहु काल की टाइमिंग और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। इसके साथ ही जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनको ये वर्ष कैसे शुभ हो अंक बताऊंगी। आज मैं जो दिव्य प्रयोग देने वाली हूँ उसमें मैं शुक्र ग्रह को मजबूत करने का आपको उपाय दूंगी, इसलिए प्लीज मेरे इस वीडियो का पूरा देखें। मेरे दोनों ही प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर नवग्रहों पर आधारित हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहती हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर स्त्री पुरुष, महिला, बुजुर्ग सभी पर उपयोगी और प्रभावी है। ये प्रतिदिन के ग्रहों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। प्रतिदिन के प्रयोगों से आपके जन्मांक के 9 ग्रहों को, प्रतिदिन एक ग्रह को मजबूती मिलना शुरू हो जाती है। उसकी अगर पीड़ाएं हैं तो शांत होती हैं, कमजोर है तो बल आता है, और शुभ है तो उसकी शुभता और बढ़ती चली जाती है। इस तरह से आपके जीवन से आपकी सारी परेशानियों को, मानसिक तनाव को, कार्यों में आ रही अड़चनों को ये धीरे धीरे ये प्रयोग दूर करने लगते हैं। तो इन प्रयोगों को आपको दोनों को एक साथ और लंबे समय तक करना, आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तो इनका प्रभाव को जल्दी दिखाई देता है। ये प्रयोग मेरे इस तरह से काम करते हैं कि जैसे कि आप घर से निकलते हैं और प्रतिदिन आपको अपने ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लगता है, लेकिन बीच में ही कहीं कोई बैरियर लग जाता है और आपको अपने ऑफिस को पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है, जिसमें कि आपको घर से जल्दी निकलने के बावजूद देर हो जाती है और आपको डेली ऑफिस पर डांट खानी पड़ती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने उस बैरियर को लगाया वो कोई दबंग व्यक्ति है और आप उससे दोस्ती करने लगते हैं और वो आपसे खुश हो जाता है और आपको वहां से निकलने की रास्ता दे देता है और आपका काम फिर पहले की तरह से ही आप आसानी से अपने ऑफिस पहुंचने लगते हैं। तो यही काम ग्रहों का है। जब ये ग्रह हमारे कुपित होते हैं या हमें पीड़ाएं दे रहे होते हैं तो ये हमारे हर काम बनते हुए को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, हमें मानसिक परेशानियां देने लगते हैं, हमारा हर काम रुक रुक कर, अटक अटक कर और बहुत ही कठिनाइयों के साथ पूरा होता है या होता ही नहीं है। तो क्यों ना हम ये छोटे छोटे मात्र एक एक मिनट के प्रयोग करके अपने ग्रहों को मजबूती प्रदान करें, अपने जीवन की सारी समस्याओं को हम अगर एक एक मिनट के प्रयोगों के द्वारा कुछ हद तक हल कर सकते हैं तो हमें अवश्य कर लेना चाहिए। 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 10:45 से 12:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:00 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक पीपल का पत्ता, उसे साफ पानी से धो लीजिए, उस पर थोड़े से दही में 2 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर उसे स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाकर उस पत्ते को सूखने दीजिए और अपने मंदिर में या तो ईश्वर को अर्पित कर दीजिए या फिर अपने धन स्थान पर उसे रख लीजिए और इसे रखा रहने दीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज की कीवर्ड यानी जादुई अक्षर में आपको दबंग वाला दा अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर आप छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। जब आप दूसरे दिन आएंगे धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख लेंगे। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज की चिट ले लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिख लीजिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए, 24 घंटा अपने पास रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अगर आप इस शब्द को आप अपनी मातृभाषा या मदर टंग में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका दाही होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज के द्वारा मुझसे इसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष हो ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 1 यानी 1 नंबर लिखकर अपने पास अगर वो वर्ष भर अपने पास रखेंगे तो ये वर्ष उनका शुभता के साथ बीतेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उपाय आप कर रहे हो, आपको इनसे फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने कमेंट लिखिए, जिससे मुझे भी और बाकी लोगों को भी आपसे प्रोत्साहन मिले इन प्रयोगों को करने के लिए। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और लोगों को अपनी परेशानियों से मात्र 1 मिनट के प्रयोग करने से
आराम मिल सके, उन्हें भी अपने जीवन से तनावों से मुक्ति मिल सके। आज के दिव्य प्रयोग में अगर आपका शुक्र कमजोर है, आपके अंदर आकर्षण नहीं है, या आपका पास धन और लग्जीरियस लाइफ की कमी है, तो इसके लिए आपको शुक्र को अपने को मजबूत करना है। इसके लिए आपको अपने इनर वियर और साथ में अपर वियर यानी कि दोनों ही वस्त्रों को प्रतिदिन प्रेस करके पहनना है, उन पर इस्त्री अवश्य होनी चाहिए। थोड़ा सा परफ्यूम अपनी बनियान में प्रतिदिन लगाना शुरू कर दें। इसके साथ ही सुबह खाली पेट 6-7 दाने मिश्री के अवश्य खाएं, दोपहर के खाने में दही अवश्य खाएं और स्त्रियों का सम्मान अवश्य करें, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई भी हो, उसे सम्मान पूर्वक उसके शब्द बोलें। कोई भी अपशब्द या कोई भी किसी अन्य भाषा का प्रयोग ना करें। इसके अलावा आप हर शुक्रवार एक कपूर की टिक्की लें, उसको अपनी छत पर रखकर छोड़ दें। हर शुक्रवार आप एक टिक्की इसी तरह से छत पर रखना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन आप लगातार इस ये प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शुक्र मजबूत होने लगा है, आपके अंदर आकर्षण क्षमता बढ़ने लगी है। आपका शुक्र मजबूत हो रहा है तो माता माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न है और आपके कार्यों में आ रही जो विघ्न बाधाएं हैं उनके द्वारा भी वो कमी आने लगेगी और धन का आगमन के मार्ग खुलने लगेंगे। तो शुक्र को मजबूत करना बेहद आवश्यक होता है। आई होप आपको मेरे प्रयोग पसंद आ रहे होंगे और आप इन्हें कर भी रहे होंगे। तो प्लीज़ मैं कल आपको फिर मिलूंगी 2-3 नए प्रयोगों के साथ।